नमन है माँ गंगा तेरी पावन धारा को, शिव जी के चरणों में चढ़ती तेरी पवित्र बूंदों को। हर सुबह की शुरुआत तेरे दर्शन से होती है, भक्तों के दिलों में बस तू ही तू होती है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जीनी एंड एनी। हम आ गए हैं हरिद्वार और ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारी फैमिली ट्रिप है जिसमें कि मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड मेरे ब्रदर इन लॉ भी साथ आए हैं। और इस ब्लॉग में हम आपको कराएंगे हरिद्वार और ऋषिकेश का एक शांतिपूर्ण यात्रा। सुबह की शुरुआत हरिद्वार में गंगा दर्शन से होती है, जहां हम आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। ये है हर की पौड़ी और हर की पौड़ी में मैं आ गया हूँ मम्मी के साथ और मम्मी बहुत खुश है हरिद्वार लेके आए हैं। पापा सुबह और भाई हमारे उस घाट पे वेट कर रहे हैं और हम यहाँ धनुष पुल के सामने एकदम हम चिल कर रहे हैं। और ये देखो पानी। और अब हमें यहाँ से रवाना होंगे, ज्यादा देर यहाँ रुकने वाले नहीं है क्योंकि वेदर बहुत खराब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक बार देख लो। तो हम यहाँ से ज्यादा बादल एकदम नीचे नीचे तक दिख रही है, तो अभी हम ऋषिकेश के लिए रवाना हो जाएंगे क्योंकि यहाँ हमें रुकने का कोई प्लान नहीं है फिलहाल। मम्मी यहाँ पे गंगा जी के व्यू के साथ एंजॉय कर रही है। हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए रवाना हो चुके हैं हम और आप लोगों को रास्ता पता ही है, लेकिन एक रास्ता मैं आज आपको लेके चलूंगा। यह चिल्ला का रूट की पौड़ी से उतरते ही एक कट निकलती है राइट में, वही किसी से भी पूछ लेना चिल्ला वाला रास्ता कौन सा है। ऐसे निकलोगे 23 किलोमीटर ऐसे रास्ते से निकलोगे, कोई ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं, ये ऋषिकेश वाला रास्ता है जंगलों के बीच में से। तो ये रहा मम्मी पापा, राम राम सर, और हमारे पंकज जी हैं पायलट। हाय, पंकज जी का नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे, वहाँ आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी जाना हो, कहीं भी शिमला, मसूरी, कसौल, होल इंडिया कहीं भी आप जाना चाहते हो, हमारे पंकज भाई साहब आपको मिलेंगे एकदम आपके सर्विस पे। देखो जंगल, देखो कितनी घनी से जंगल है, डेंस फॉरेस्ट। अब एक मस्त सी लोकेशन मिल गई है बैठ के आराम से चिल करने के लिए, लेकिन इन क्यूट बछड़ों ने कर दिया है मुझ पे अटैक। ओ ये हो गया कलेश, हो गया कलेश। एनी को पसंद कर लिया इसने, इस बछड़े ने। अब हमारी फोटोशूट होगी बेकार क्योंकि हम यहाँ पे आए थे यहाँ फोटोशूट करने। देखो मस्त सी जगह है, मम्मी पापा को लेके आया था, दिखाओ बछड़े ने कर दिया ये काम तमाम। पैर रख के उस पे ऐसे निकल गया ये। ओ शिट, बताओ ऐसा भी होता है, निकल गया ये कैसे रह गई। यार भाई कुछ भी हो रहा है यार, फैमिली टाइम में हम आए थे, ये अपनी फैमिली लेके आ गए। मम्मी अलग से ला रही है, देखो अच्छा उधर 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 अब सब, अरे देखो देखो ना तो पूरा रहता इन्होंने, अब सबको खिलाना पड़ेगा। वो भी आ रहा है दोस्तों, उसको उसको एक मिनट आधा आधा कर लो, आधा कर लो कुछ, आधा कर हां नहीं तो अब इधर इधर इन इन लोगों को बाकी इनको अच्छा अच्छा आ गए हम गाय को खिलाने। अरे आ जाओ आ जाओ, केला केला। अरे ओ ओ ओ ओ ओ, 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 ओ उसको 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 हाँ इसको 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 हाँ दे दो, बस पार्टी बन गई लड़की की, कर दो इसको एकदम। अरे नहीं नहीं इसको चाटना मत भाई, ये कैमरा खराब कर देंगे भाई, इधर हमला बोलो या फिर एनी पे। ये देखो ब्रेड, कलर ब्रेड है या ओए ओए ओए।
सबसे बेसि कैसे पार्टी खत्म पार्टी अरे वो देखो कितना पानी का दबाव देखो कैसे वहाँ पे बैठे हुए तीन। ये सवेरे का जो अगर आपको ये व्यू चाहिए ना देखो यहाँ पे हम ही लोग हैं और कोई नहीं है पूरे रास्ते में तो आपको चिल्ला रूट में से आना पड़ेगा। ये मस्त जगह है यही आपको ऋषिकेश ले जाएगा ये मेरा ठंडी का एहसास। हाँ और देखा आपने किस तरह हम लोग ने एंजॉय किया ये 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 जगह आप जाते जाते एंजॉय करते जाओगे। ये अब तक का सबसे प्यारा मोमेंट था चाय मैगी नाश्ता टाइम वही वाली चिल्ला वाली रोड पे मस्त। अभी यहाँ पे हमने एकदम रीजनल फॉर्म में साखिबा सागम ठीक है सर सा नॉट चाय कम चीनी दिया बेशी गुड़ा आधा मेरा शाबाश। तो गाइस हरिद्वार से हम आ गए हैं सीधे ऋषिकेश और हमने हॉस्टल बुक किया हुआ था जिसका नाम काफी इंटरेस्टिंग सा है मैट पैकर्स जो कि लक्ष्मण झूला तरफ पड़ता है। तो चलिए अंदर चल के देख लेते हैं। तो हॉस्टल में हमने चेक इन कर लिया है और ये मैडम हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या हम एक्टिविटीज हमें एंजॉय करने को मिलेगा। ओके हाय गाइस मैं कृतिका हूँ वेस्ट बंगाल से एंड आई एम अ कम्युनिटी मैनेजर हियर एंड यहाँ पे हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान करते हैं जैसे लाइक गेम्स नाइट मूवीज नाइट या कुछ भी करियोके और एनीथिंग सो वो गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है बट या यू कैन जॉइन दैट ग्रुप ग्रुप है वो एंड होटल में चेकिंग करने के बाद थोड़ा नहा धो के फ्रेश होके हम तैयार होके आ गए हैं यहाँ लंच करने। काफी भूख लग गई है तो हम आ गए हमने फेवरेट कैफे में गंगा बीच कैफे बिल्कुल गंगा व्यू के साथ और यहाँ हमारी फैमिली अच्छी है। जीनी क्या कर रहा है तू? अरे क्या बात है इंस्ट्रूमेंट भी मिल गया नाइस। तो क्या कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पता है? ब्यूटिफुल रिदमिक इंस्ट्रूमेंट गॉट इट। सो लुक एट द व्यू अच्छा लगता है। हाँ ये देखो ना मंदिर कौन दिए सामने अच्छा सी तो सनग्लास तो हुई सनग्लास तो पापा कैसा है एकदम एक्शन तुरुरु तुरु मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दूँ तारारा तारा तुरुरु मम्मी पापा एक होते हैं ये अलग चल रही है कुछ बोलना है नहीं। और इसी के साथ हमारा खाना आ चुका है ये रहा ये क्या था पुलाव ये है वेज मिक्स वेज पुलाव हाँ और ये है शाही पनीर हाँ नहीं सॉरी ये है शाही पनीर ये दाल मखनी और ये है पालक पनीर और ये दो स्टीम राइस आ गई है और भी आने वाला फूड रियली लुक्स डिलीशियस। अरे ऋषिकेश आया और खाना चलिए इट इज वेरी नाइस टू से fantastic the arrangement has been done by the genie and annie and we are really enjoying the tour and here is the on the dining table I am and we are very much appreciating this thing annie it is really a beautiful item so wahan se aa gaye hum aur thoda so bhi liya mast aur ye raha hamara room
यहाँ पे मैं, मेरा भाई और एनी यहीं पे है, मस्त सब मिला है हमें, कोई है भी नहीं। तो ये मेरा है एनी का ही रहा और सोम वहाँ पे, सो बंक बेड्स है, देखो काफ़ी साफ मस्त सब, सारी चीज़ें सब एकदम, हर चीज़ अवेलेबल है, आराम से नींद आई है। यहाँ है व्यू अच्छी नहीं है ऐसे, यहाँ मैं, बाथरूम भी बहुत अच्छी है, देख लो नाइस। और इस व्यू को देखो, वाओ, दिस इज द व्यू फ्रॉम बैकपैकर्स की छत पे। बहुत गहरी डीप कन्वर्सेशन चल रही है इनके बीच में, पापा के बीच में। हम लोग जा रहे हैं अभी पुरानी केतन की तरफ, वहाँ पे हम देखेंगे गंगा आरती, तो गंगा जी को देख लो। मम्मी डर रही थी आने में, क्योंकि ये ना ऐसे 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 ऐसा हो रहा है, तो अभी पापा गए मम्मी को लाने। और देखो कैसा ला रहे मम्मी चल। देखो यार गालियां पड़ रही है, बताओ ये देखो कितना खूबसूरत व्यू है, वाओ दैट्स राम झूला, पीछे नजारा देखो क्या है मम्मी, पीछे व्यू देखो, इधर इधर खड़ा हो जा, चलो 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 आओ, वो इज एक्ट ऑफ द चांस फैसला मेट्रो फैसला डर क्यों लगता है, अलग रोमांस चलता है यहाँ पे, तो चलो चलो एक फोटो हो जाए यहाँ पे। तो घाट जाते हुए मम्मी जी को मिल गया एक बढ़िया सा शॉप, जहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सारा कलेक्शन ऑफ गोपाल ड्रेसेस, मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम एक बार देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है। नमामि शमीशाद निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम् निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्
निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् आरती होने के बाद अब हम आप ये रास्ते से आ रहे हैं, अभी चोटी वाला दिखाएंगे आपको। चोटी वाला और हमने ये ले लिया है, चलते चलते अभी स्नैक्स टाइम, चलो खाते हैं। हम आ गए वापस को इसी कैफे में जहाँ सुबह हम मिले थे, और ये देखो पूरी ये लोग चिल मोड पे हैं। सो हुआ यूं कि हम लोग वही है कैफे में, सारे यंगस्टर्स थे तो ऑब्वियसली ये ऋषिकेश वाला लक्ष्मीला वाला साइड ऑब्वियसली फॉरेनर्स और यंगस्टर्स आए थे। तो मम्मी पापा को मैंने कहा चलो ये क्राउड अवॉइड करते हैं, गंगा व्यू कैफे में चलते हैं। मैंने यहाँ कॉल करा, मैंने कहते क्योंकि ऑफ सीजन है खाली रहेगा, देखो खाली है। हमने सोचा चलो यहीं जाते हैं आराम से चिल करके बैठे, मैं तो लेट गया। अरे बाबा शोर नहीं, शोर नहीं, सोरे पावन करे सोरे, हाँ अरे जी यार, अरे झूमे ऐसे जैसे बनवाना चे मो, दिन की समाप्ति करके हम आ चुके हैं लिफ्ट में। और ये है क्योंकि हम में से जो चौथा बंदा है, पांचवा सॉरी, वो ज्यादा यंग है, तो उसको सीरी से हमने इस तरह बुलाया, ठीक है। तो भैया हम अब जा रहे हैं छत पे, गिटार सेशन करेंगे गंगा व्यू के साथ। माया बोनो बिहारिणी होरिणी, गहनो स्वपनो और हम लोग सुबह सुबह निकल चुके हैं, मम्मी पापा रेडी है उनके रूम से। हम चलेंगे एक्सप्लोर करने कुछ हिडन वाटरफॉल्स ऋषिकेश, और आपको भी दिखाएंगे। चलिए वाटरफॉल की तरफ चलते हैं, मैं रेडी हूँ। देखो 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 कैसे बन, क्या कर क्या रही है। पापा को हम लोग करने ये आगे, ठीक है गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर योर सर्विस, फिर मिलेंगे, थैंक यू। चलो श्योर श्योर, यहाँ से उतरते देखो नीचे खाई पूरा, और यहाँ है ट्रैप वाटरफॉल। वो तो ट्रेन ट्रैप वाटरफॉल, चलिए ट्रैप की तरफ चलते हैं, मम्मी को लेके कौन सी ट्रैप है देखते हैं। ट्रैप वाटरफॉल इन ऋषिकेश, भाई आराम से जा। ये है यहाँ से नीचे तरफ जाएंगे, और ये देखो तो यहाँ है वाटरफॉल, और हम यहाँ नहीं जा रहे, यहाँ मिलते हैं मागू भाई। व्हाट इज मागू भाई? मागू भाई है एक प्रजाति है, जो ज्यादा से ज्यादा अगर काट लिया जाता है ना तो ज्यादा कुछ नहीं होता, मर जाएंगे, बस थोड़े से मर जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं यार, इधर से एक रास्ता जाता है, क्या एक्सप्लोर करने चले? नहीं यार मम्मी यार डर नहीं यार। वैसे आपको बता दूं कि हम फैमिली ट्रिप पे हैं, और हमें फैमिली ट्रिप पे आनी चाहिए, फैमिली के साथ टाइम निकाल के आओ घूमो, इसका एक अलग मज़ा है, अलग एक्सपीरियंस है। सो ये जगह है नीलकंठ ट्रैक, और यहाँ से 8 किलोमीटर आप चलोगे तो आपको नीलकंठ का मंदिर पड़ेगा, बट मम्मी चल नहीं पाएंगे उतना, तो हम जाएंगे नहीं। सावन का असली मज़ा है ये बारिश, ये वादियाँ और वाटरफॉल। तो दिस इज स्टोन आर्ट, एक काइंड ऑफ मेडिटेशन हीलिंग पावर को बढ़ाता है अगर आप ऐसे करोगे बैठ के। हमने कई बार किया हुआ है, केरला में भी किया हुआ है। यहाँ पे शिट्स हैपेंस, बहुत ही टट्टी कर रखी है लोगों ने, प्लास्टिक के बॉटल, और ये ऊपर से ये देखो टट्टी शिट्स, दिस इज अ रियलिटी। सो आप गवर्नमेंट को कोसने से पहले ना अपने आप को कोस लेना। हम ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, अच्छे क्लाइमेट्स, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही हैं, इतने हम लोग इतने ज्ञान पेल रहे हैं,
लेकिन उनके पीछे जो ये है ना, ये है सच्चाई, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख देख लो, ये देख लो। तो मैं तो आगे नहीं जाने वाला क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। लोग यहाँ पे आते हैं और तीर्थ यात्रा में आते हैं और यहाँ ये करके निकलते हैं। ये देख लो, एनी को मैं वहीं से मना कर दिया। मैं क्या बताऊँ, इतनी गंदगी है यार, जहाँ लोग पहुँचे वहाँ पे गंदगी स्टार्ट। तो ये है, ऐसे सोसाइटी के बीच में तो हम रहते हैं, बुद्धिजीवी लोग। सोचकर तो हम यही आए थे कि ऋषिकेश में जितने भी सुंदर सुंदर वॉटरफॉल जो कि हिडन है, हम आज उन सब को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौसम ने हमारा साथ छोड़ दिया है। रुकना नहीं, पापा कह रहे क्या क्या हाँ क्या कह रहे? मैं कह रहा हूँ जितना तेज बारिश हो रही है, हाँ, पहाड़ी क्षेत्र को जल्दी अलविदा करो। जल्दी चलो फिर गंगा मैया की जय। हम चल रहे हैं क्योंकि चिल्ला वाला रास्ता बंद कर दिया क्योंकि वो लैंडस्लाइड जोन है, तो इस वजह से हम इस रास्ते जा रहे हैं। मेन रोड से होते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे। तो मौसम खराब होने की वजह से हमें फैमिली ट्रिप को यही एंड करना पड़ रहा है और रवाना हो गए हैं वापसी दिल्ली के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मिलते हैं अगली ब्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हर हर महादेव।